हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सेहत तो ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो सेवन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, वो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा डी ग्रेड था, तो ये जो लेफ़्ट ओवर या जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं या लेफ़्ट ओवर केसेस हैं या पास आउट केसेस हैं, तो क्या उनके साथ जो अभी रिसेंटली 2-4 दिनों के अंदर अंदर पेपर होने वाला है, क्या हम उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं? सो वी वांट टू इम्प्रूव आवर फर्स्ट सेमेस्टर। तो बेटा, जिस यूनिवर्सिटी है उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो इम्प्रूवमेंट केस हैं वो पास आउट होने के बाद, मतलब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का कोई जो पेपर है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो 9th सेमेस्टर में जाके आप इम्प्रूव करेंगे। 9th सेमेस्टर का मतलब ये हुआ कि आप लोग जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह एमएससी फर्स्ट के सेमेस्टर, एमएससी 4th सेमेस्टर जो पास आउट हो चुकी है उसके स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं कि सर हमारा डी था, हमारा 3rd में सेप्टी थी, कि हम उसको भी, क्योंकि हम तो पास आउट हैं। तो बेटा आप नहीं, 3rd सेमेस्टर की कोई भी नहीं दे सकते पेपर। अभी रिसेंटली कुछ कह रहे हैं जी हमारा 3rd में सेप्टी आ गई है, तो क्या हम जस्ट लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जी हमारी स्टेट में सेप्टली आ गई है या हमारा स्टेट का पेपर ही बहुत बुरा हुआ था, तो क्या हम भी दे सकते हैं? विल वी बी कंसीडर्ड एज लेफ्ट ओवर केसेस? तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर से रिपीट करता चलूँ कि ये जो पेपर हो रहे हैं ये सिर्फ 2 तरह के लोग दे सकते हैं। एक वो स्टूडेंट जो आज के दिन तक जिन्होंने ऑनलाइन 4th सेमेस्टर के पेपर दिए, वो एमएससी का 4th था या बीएस का 4th था, 4th सेमेस्टर के उन्होंने पेपर दिए और उनकी सैपली थी 1st सेमेस्टर में, वो लोग ये पेपर दे सकते हैं। दूसरे वो लोग जिनकी डिग्री 2019 या उससे पहले पहले कंप्लीट हुई है और उनकी किसी भी किस्म की कोई सैपली है, वो 1st में है, 2nd में है, 3rd में है, 4th में, ये वो लोग हैं जो अपने पेपर दे सकते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे हैं जो जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की नेगलिजेंसी कह लें आप, या कुछ वो कोविड सिनारियो देख लें या वाट एवर द फैक्टर्स, उनके बाद उनके वो पेपर्स का रिजल्ट नहीं आया, जस्ट लाइक एमएससी बॉटनी था, उनके 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट डिपार्टमेंट ने वो इशू कर दिया और वो एग्जामिनेशन से किसी वजह से अपलोड नहीं हो पाया, तो ये वो लोग हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनके कॉलेजेस इनसे कम्युनिकेट कर लेंगे। बाकी ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना कि आप 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप शोक शोक में जी मैं 1st सेमेस्टर की सैपली दे दूँ, सैपली कह दिया सॉरी, 1st सेमेस्टर का इम्प्रूव कर लूँ, या जस्ट आई आप अभी 4th सेमेस्टर के ऑनलाइन पेपर दिए हैं और 3rd की आपकी सैपली आपको आजकल में बताई गई है, तो आप कहें जी मैं इस सैपली को इनरोल कर दूँ, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपके लिए सीवियर किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इन चीज़ों को अवॉइड करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।